चौटन कस्बे के बांकलसर बस्ती शनिवार रात एक पुलिस अधिकारी द्वारा घर के आगे बनी दुकान में बैठे युवक को उठाकर ले जाने के मामला रविवार को गर्मा गया। लोगों के विरोध और धरने के बाद पुलिस के अधिकारियों एवं परिजनों के बीच आपसी वार्ता के बाद सहमति बन गई। वहीं अब बेगुनाह युवक को घर से उठाकर ले जाने वाले दोषी प्रशिक्षु उप निरीक्षक मांगीलाल विश्नोई को चौटन से हटाकर अन्यत्र भेजा जाएगा। चौटन से विपिन भंसाली की रिपोर्ट। दनाव में पुलिस की दबंगाई के बाद चौटन कस्बे के बांकलसर बस्ती में शनिवार रात एक और पुलिस अधिकारी द्वारा घर के आगे बनी दुकान पर बैठे युवक को उठाकर ले जाने का मामला सामने आया। इस घटना के बाद लोगों के विरोध और धरने के बाद पुलिस के अधिकारियों और परिजनों के बीच वार्ताओं का लंबा दौर चला। बेगुनाह युवक को घर से उठाकर ले जाने वाले दोषी प्रशिक्षु उप निरीक्षक मांगीलाल विश्नोई को चौटन से हटाकर अन्यत्र जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजा जाएगा। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 8 बजे अर्जुन सिंह पुत्र मिश्र सिंह बांकलसर बस्ती में संस्कृत स्कूल के पास स्थित अपने घर के आगे बैठा था। इस दौरान पुलिसिया वर्दी के रौप में गश्त पर निकले प्रशिक्षु उप निरीक्षक मांगीलाल विश्नोई ने अपनी वर्दी की धौंस दिखाकर बाहर बैठने को लेकर उसके साथ ज्यादती कर डाली। प्रशिक्षु उप निरीक्षक ने अपने रौबदार अंदाज में निर्दोष अर्जुन सिंह को मनमाने तरीके से जबरन गाड़ी में डालकर थाने ले जाकर बंद कर दिया। घटना के बाद रविवार सवेरे उसके परिजनों सहित सर्व समाज तथा बस्ती वासियों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर हिरासत में लेने की भत्सना करते हुए पुलिस की जाति के विरोध में धरने पर बैठ गई। जानकारी मिलने पर एडवोकेट रूप सिंह राठौड़, भीमराज जोगेश, लजपत सिंह, जस्सू भाटी, कपिल जोशी, देवीलाल खांगट सहित कई जने मौके पर पहुंचे। इस दौरान थानाधिकारी पद्माराम ने लोगों के बीच पहुंचकर पुलिसकर्मी की ओर से की गई गलती को स्वीकार करते हुए आगे से गलती नहीं करने की बात कही। साथ ही उन्होंने उसकी ओर से माफी चाहने की बात रखी। अर्जुन सिंह सनो मिश्री सिंह अपने घर में बैठा था और उसके यहाँ किराएदार एक अध्यापक लगे हुए हैं जो गंगाड़ा में है। उनको पुलिस ने कहा कि तुमने दारू पिया हुआ, तो उन्होंने कहा हम दारू कभी पीते नहीं है, शराब पीते नहीं है। तो वो एक नए ट्रेनी SI है मांगीलाल जी, उन्होंने उनको कहा कि तो उनको थाने ले जाते, तो उन्होंने कहा हमारा कोई गुनाह ही नहीं, थाना क्यों ले जा रहे हो। इस प्रकार उन्होंने उस अध्यापक को तो छोड़ दिया और अर्जुन सिंह को ले गए, जिससे लोगों में आक्रोश है और बिना किसी अपराध किए, बिना किसी गुनाह किए उसको रोकना ये सरासर गलत है। अभी हमने जिला पुलिस अधीक्षक श्री मीणा साहब से भी बात की, उन्होंने इस चीज़ पर संज्ञान लेते हुए इस मांगीलाल जी थानेदार जी जो नए ट्रेनी है उनको यहाँ से हटा दिया है और उसकी अर्जुन सिंह जी को अभी जाकर वहाँ से छुड़वाकर जनता को सौंपेंगे। ऐसा समझौता होने पर लोगों का आक्रोश और लोगों का हजूम यहाँ इकट्ठा हुआ, उनको शांत किया। थानाधिकारी पद्माराम ने यह भी बताया कि दोषी प्रशिक्षु उप निरीक्षक मांगीलाल विश्नोई को जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर अब चौटन थाने से हटाकर अन्यत्र लगाया जाएगा। एडवोकेट रूप सिंह राठौड़ की उपस्थिति में हुई समझौता वार्ता पुलिस की ओर से आगे से बेगुनाह लोगों के साथ ज्यादती नहीं करने की बात पर आम सहमति बनी और उसके बाद आक्रोशित लोगों ने धरना खत्म किया।